हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत। ठीक है, बीसीए की इस क्लास में हम लोग कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए भाई, सुबह का समय है तो सभी को गुड मॉर्निंग। आइए, कल हम लोग ने क्या पढ़ लिया था? प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर्स पढ़ लिए थे, आज स्टेप पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं प्रमोटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमोटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द पर्सन हु इन्वॉल्व या हु परफॉर्म, वो आदमी जो प्रमोशन के कार्य में इन्वॉल्व होता है या प्रमोशन का कार्य खुद करता है, उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, कल जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि सिर्फ प्रमोशन करने का मतलब ये नहीं होता कि प्रचार करना। ठीक है, सिर्फ प्रमोशन करने का, प्रचार करने का मतलब नहीं होता है। प्रमोशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने आइडिया को, ठीक है, अपने बिजनेस करने के आइडिया को कैसे आप वास्तविकता में लाते हैं। ठीक है, बिजनेस करने के आइडिया को कैसे वास्तविकता में लाते हैं, प्लानिंग, ठीक है, उसके लिए जगह, सब चीज़ कल जैसे आप लोग को बताया गया था, व्हेन, हाउ, व्हाट, ठीक है, ये सब बताया गया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, आइए हम लोग आज देखते हैं स्टेप। ठीक है, क्या लिखा है? स्टेप्स इन प्रमोशन। प्रमोशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? ठीक है, प्रमोशन में सबसे ज्यादा सिर्फ दो ही स्टेप इन्वॉल्व हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, कई स्टेज से ये पास होता है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, विच कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। ठीक है, कई स्टेज से ये क्या होता है, पास होता है, कई स्टेज होते हैं, पर वो कई स्टेज को मिला के हम दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया यहाँ प्रमोशन का क्या मतलब हो रहा है, कि आप अपने आइडिया को वास्तविकता में ले आ रहे हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ये अभी मान लीजिए आपने सोचा है और फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, वास्तविकता में ला रहे हैं, तो जो व्यक्ति वो काम करता है वो प्रमोटर हो जाता है। ठीक है, जितने भी स्टेप आते हैं प्रमोशन में, ठीक है, उन सारे स्टेप को मिला के हम दो कैटेगरी बना लेते हैं। वो दो कैटेगरी क्या है देखते हैं। ठीक है, वो दो कैटेगरी है, पहली है दोज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, पहली क्या है, पहली ये है कि वो स्टेप आपका जो आप बिजनेस को बनाने के लिए प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पहले प्लान करेंगे कोई भी चीज, पहले सोचेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वास्तविकता में लाने के लिए उसके बारे में प्लानिंग करेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ शुरू करें, कैसे शुरू करें, कितने लोगों का सहयोग चाहिए, क्या इसके लिए कोई स्पेशल व्यक्ति चाहिए, ठीक है, या कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, कितने इसमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, कितने नॉन स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो ये सब किस में आता है? ये सब हमारे प्लानिंग में आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि बिजनेस शुरू कर दिए, तो अब मान लीजिए कि हमारे ऑफिस है कोई, तो फ्रंट में कौन सा ऑफिस होगा? पब्लिक डीलिंग का है तो फ्रंट में एक ऐसा ऑफिस रखें जहाँ पे पब्लिक आके मिल ले। ठीक है, उसके पीछे हम और कोई ऑफिस रखें, उसके पीछे और एकदम आखिरी में डायरेक्टर का रख लें। ठीक है, तो अगर फ्रंट में ही पब्लिक हेल्प डेस्क होगा ना, वैसे मैक्सिमम जगह आपको फ्रंट में ही मिलता है, तो क्या होता है, पब्लिक आके वहीं से लौट जाती है अपना सोल्यूशन लेके। अगर आप फ्रंट डेस्क नहीं रखेंगे, हेल्पिंग वाला पीछे रखेंगे, तो पब्लिक को क्या होना पड़ेगा, पूरा आना पड़ेगा अंदर तक। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हम कैसे अपने सारे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, हर पर्सन को उसके स्किल के हिसाब से जॉब देते हैं। ठीक है, कोई कंप्यूटर पर टेक्निकल है तो उसको कंप्यूटर के हिसाब से काम दीजिए, किसी को नहीं आता टेक्निकल तो उसको नॉन टेक्निकल वर्क दीजिए। तो ये होता है क्या, प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग करना। ठीक है, अगला स्टेप इसमें क्या है, अगला है दोज रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, अब देखिए, अब बिजनेस शुरू होगा, ठीक है, तो हमने कल भी आपको बताया था कि लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है, कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कंपनी को क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है। देखिए, दोज रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व टू ब्रिंग द बिजनेस इंटरप्राइज इन टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइज को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसका नाम लोग जाने, वहाँ क्या काम होता है ये सब जाने, काम करें, काम करवाया जाए, तो वो सब चीज़ किस में आती है, आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज में। आपको कौन सा पेपर चाहिए, क्योंकि देखिए भाई, जो कंपनी है ना,
कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर रजिस्टर्ड थ्रू आफ्टर रजिस्टर्ड थ्रू क्या हो जाएगा भाई, एक कंपनीज एक्ट है, ठीक है। अब कोई भी कंपनी होगी ना तो वो कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी हो जाएगी। इसीलिए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करने के लिए हमें लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। कल हमने बताया था कि डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब डॉक्यूमेंट के साथ हमें कौन चाहिए, डायरेक्टर का भी नेम चाहिए, ऑथोराइज पर्सन चाहिए, ये सब हमें चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपनी को एग्जिस्टेंस मिला पाएंगे, ठीक है। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज हो गया। आइए पहला हम लोग क्या देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, पहला है प्लानिंग एंड ठीक है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए एक चीज बता दें, किसी भी प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है और सेम होती है, ठीक है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या जरूरी है और सेम होती है, सेम कहने का मतलब समझ लीजिए एक तरह से एक यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कॉमन, कॉमन इन ऑल फॉर्म, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ये तीन अलग अलग तरीके के। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है भाई, जो अगल बगल घर के अगल बगल जनरल स्टोर खुलता है, ठीक है, किराने की दुकान खुलती है, इसको हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप क्या कहते हैं, एक व्यक्ति से ज़्यादा लोग मिलकर कोई फर्म अगर खोलते हैं। कंपनी क्या होती है, बड़े लेवल पे कोई भी ऑफिस खोला जाता है, कोई भी काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज खोला जाता है, उसे हम कंपनी कहते हैं। तो ये तीनों खोलने के लिए ना, ये एक दो तीन, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग सेम करनी पड़ेगी, कॉमन रहेगी। कैसे कॉमन रहेगी, आइए देखते हैं। देखिए अब क्या होगा, सब में क्या लेना पड़ेगा, प्लेस, ठीक है, टाइप ऑफ वर्क, पीपुल, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ वर्क, ठीक है, When to start a work, ये सब चीज सब में कॉमन रहेगी। प्लेस, ठीक है, जगह, टाइप ऑफ वर्क किस प्रकार का काम होता है, ठीक है, पीपुल कितने लोगों की जरूरत है, हाउ टू स्टार्ट कैसे हमें शुरू करना है और कब शुरू करना है, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कॉमन रहेंगी सभी टाइप के फंक्शन में, सभी टाइप के बिजनेस में, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को आप थोड़ा सा और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर लिखते हैं
टेन फर्दर भी आप लिख दीजिए सब डिवाइडेड, ठीक है। देखते हैं आप किस किस इसको डिवाइड कैसे करते हैं, किसमें उसमें। पहला है डिस्कवरी ऑफ आइडिया, दूसरा है डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया, और तीसरा है आपका ठीक है। आइए अब डिस्कवरी ऑफ आइडिया ये क्या है। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था, आपको कोई भी काम शुरू करने से क्या करना पड़ेगा, पहले आइडिया सोचना पड़ेगा, ठीक है। देवेंद्र इसको स्टॉप कर दीजिए, पानी हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सब डिवाइडेड किसमें किया गया है, पहले डिस्कवरी ऑफ आइडिया, ठीक है। जैसा कि कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि डिस्कवरी ऑफ आइडिया का यहाँ पे ये मतलब हो गया कि आइडिया किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग में है, ठीक है। आइडिया किसी के भी दिमाग में है, कोई भी सोच रहा है सिर्फ। तो भाई सोचने से सिर्फ काम नहीं हो जाता ना, कि हम बैठे हैं हम सोचें, अरे यार जैसे आजकल भाई यूपी में ना अधिकतर गाँव में प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। हमने भर दिया और हम बस सोच लिया हम तो प्रधान बन गए, ठीक है। ऐसे नहीं होता ना, उसके लिए आपको वो आइडिया लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, अपने हितैषी जनों के साथ, ठीक है, अपने हितैषियों के साथ जो आपकी मदद करेंगे उसमें, ठीक है। उससे आपके दुश्मनों को भी पता चलेगा, तो आपके हारने में मदद करेंगे, ठीक है, जीतने में भी करेंगे और हारने में भी। तो इसी तरह वो आइडिया उन्होंने लोगों को बताया कि हाँ भाई हम क्या करते हैं, हम इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं और फिर इसके हिसाब से हम लोग काम किया जाएगा। तो आइडिया जब शेयर किया तो वही आइडिया क्या हो गया, डिस्कवरी हो गई लोगों के पास, ठीक है। लोगों को वो आइडिया क्या हो गया, डिस्कवर हो गया, लोगों को पता चल गया। अब लोगों को जब वो पता चल गया आइडिया, तो अब उसके हिसाब से काम होने लगा, ठीक है। तो ये मतलब हो गया डिस्कवरी ऑफ आइडिया। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्या है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सिर्फ आइडिया पता चल जाने से काम नहीं होगा ना, अब आइडिया पता चल गया तो उसको डिटेल कर लेंगे, ठीक है। उसकी क्या करेंगे, उसकी डिटेल लेंगे कि हाँ आपको कहाँ काम करना है, कैसे करना है। जैसे भाई अभी एग्जांपल हमने लिया चुनाव का, तो अब ये देखेंगे कि भाई आप चुनाव लड़ते हैं, हाँ, तो अगर कोई और आपसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप ही का हितैषी है, तो आप उसको क्या खड़ा कर दें। या डिटेल इन्वेस्टिगेशन आइडिया का क्या करेंगे, चुनाव तो लड़ना है, अब उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, वो सब चाहिए होगा हमें, ठीक है। उसी तरह बिजनेस के लिए आप पहले सोचेंगे बिजनेस शुरू करना है, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, आप लोगों को बता देंगे कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस की डिस्कवरी हो जाएगी, आइडिया डिस्कवर हो गया। अब उस बिजनेस को करने के लिए उसका डिटेल में उस पर काम करेंगे कि भाई बिजनेस तो कर लोगे, जिस चीज का बिजनेस करना है उसके लिए कैसे कैसे काम करोगे, क्या करोगे, जगह कहाँ लोगे, सामान क्या लगेगा और कैसे वर्क करना है, ठीक है। आखिरी क्या है, असेंबल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब क्या होता है, वो सब चीजें जो आपके प्रोडक्शन में काम आती हैं, वो सब चीजें जो आपके प्रोडक्शन में काम आती हैं उन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा एकदम ब्लू ब्लू पढ़ते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ होते हैं। जैसे पहला होता है लैंड, दूसरा होता है कैपिटल, तीसरा होता है मान लीजिए लेबर,
ये कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो आपके प्रोडक्शन करने में काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सबको आपको क्या करना है, असेंबल करने का मतलब होता है एक जगह सबको एकत्रित करना, ठीक है, एक जगह सबको एकत्रित करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में प्रेयर होती है सुबह, अब तो भाई स्कूल ही बंद चल रहा है फिलहाल, ठीक है, जब कभी खुला था साल भर पहले, जब नॉर्मल जिंदगी थी सबकी, तो स्कूल में प्रेयर होती थी सुबह, सुबह प्रार्थना होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या कहते हैं, असेंबली कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में असेंबली कहते हैं, हिंदी मीडियम में भी शायद असेंबली कहते होंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, असेंबली हो रही है। असेंबली का मतलब है पूरा स्कूल एक जगह एकत्रित है और सब लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, उसे असेंबली कहते हैं, ठीक है। या बहुत जगह कहा जाता है ऑल द स्टूडेंट प्लीज असेंबल हियर, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे एकत्रित हो जाएं। तो यहाँ पे असेंबल का भी मतलब वो है कि आपको ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह असेंबल करना पड़ेगा, तभी आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ आइडिया को थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है भाई, अगर नीला कलर अच्छा नहीं लगेगा तो फीडबैक दे दीजिएगा कि सर वही लाल लाल पढ़ाइए एकदम डेंजर वाला, ठीक है, ये आप लोग के ऊपर है, बता दीजिएगा तो फिर हम लोग बैक टू ओल्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। आइए अब हमने क्या कहा, डिस्कवरी ऑफ आइडिया को शेयर द आइडिया विथ फ्रेंड, ठीक है, या पेरेंट्स कह लीजिए, उन्हीं के साथ शेयर करेंगे जो आपका आइडिया चुरा ना ले। पता नहीं ऐसे व्यक्ति के साथ हमने आइडिया शेयर कर दिया जो आइडिया चुरा के खुद ही बिजनेस खोल लिया, ठीक है, और हम अभी आइडिया ही सोच रहे हैं, कल को गए पता चला उसने वही सेम आइडिया चुरा के बिजनेस कर लिया। नहीं, आप उनसे आइडिया शेयर करेंगे जो आपका बिजनेस इस्टेब्लिश करने में मदद करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यू आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्या होना चाहिए, न्यू आइडिया होना चाहिए। आइडिया न्यू मतलब एकदम नया नहीं कि ऐसा कि वो बिजनेस, हाँ ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस वो चल सके, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिजनेस ही ना चले मार्केट में। जैसे कि भाई देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल है आरओ वाटर का, ठीक है, एक समय था कि सब लोग भाई कहीं से भी पानी पी लेते थे, हैंडपाइप चलाओ पानी पी लो, अब क्या है, अब बिना आरओ के भाई पानी ही नहीं पिएंगे हम, ठीक है। तो अब जिसने पानी के बारे में सोचा, जिसने आरओ का प्लांट लगाया, वो बिजनेस बढ़िया चल रहा है उसका, ठीक है, क्यों, उसने हट के काम किया, पर ऐसा काम किया जिसकी डिमांड है, ठीक है, उसकी डिमांड है, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई अब लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और तबीयत खराब होने का मेन कारण क्या है, पानी। तो ये हुआ कि अपने क्या मशीन लगाते हैं, फिल्टर करेंगे, और जो लोग आरओ मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो किराए पर रहते हैं, बार बार जगह बदलनी है, नहीं लगवा सकते हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया, हम पानी बेचने लगे, तो ये बिजनेस शुरू हो गया, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट चीज तो भाई यही है इस समय, क्या, कोरोना, कोरोना कह लीजिए, COVID-19 कह लीजिए, ठीक है, इसने लोगों को क्या किया, आपके चाहे जिस चीज की दुकान है, आप सैनिटाइजर और मास्क बेचने लगे, स्पोर्ट्स की दुकान सैनिटाइजर मास्क बेचो, दवाई की दुकान सैनिटाइजर मास्क बेचो, सड़क के किनारे सब्जी बेचे सैनिटाइजर मास्क बेचो, ठीक है, ठेला लगाए हैं सैनिटाइजर मास्क बेचो, क्यों, क्योंकि आदमी भले खाने के लिए ना खरीदे, सैनिटाइजर मास्क तो खरीदेगा ही, ठीक है। और भाई आप लोगों को पता होगा, जब शुरुआत में एकदम कोरोना आया था आज से साल भर पहले, ठीक है, तो कोई लिमिट ही नहीं थी, अपर लिमिट प्राइस की, ठीक है, 100 रुपए का जो सैनिटाइजर था वो 500 में मिलने लगा, 100 रुपए का सैनिटाइजर 500 में, 500 वाला 1000 में, दुकान पे चले जाइए सैनिटाइजर ही नहीं है, ठीक है। तो
गवर्नमेंट ने क्या किया, अपर लिमिट लगा दिया। तो जो लोग पहले से सैनिटाइजर बेच रहे थे उनके लिए भी अच्छा हो गया, कितने लोग उस बिजनेस में आ गए, ठीक है। तो इसीलिए यही कहने का मतलब है कि आइडिया वही रहे जिसका आपको लगे कि डिमांड हो सकता है। फ्यूचर फोरकास्टिंग करके बिजनेस की जाती है हमेशा। फोरकास्टिंग का ये मतलब होता है कि आज क्या बिक रहा है उससे नहीं मतलब है, मार्केट रिसर्च करके ये जाना जाता है कि आज से साल बाद, चार साल बाद क्या हो सकता है, क्या बिकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बिजनेस में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपके, क्योंकि तो आपने फ्यूचर देखा, सोचा, उसको एनालाइज किया, उसके हिसाब से प्रेजेंट का सामान तो हम रखेंगे, हम फ्यूचर का भी सामान रखेंगे, कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि आप ये लीजिए, आज से चार साल बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब भाई फ़ोन में, पहले फ़ोन आता था सिंपल फ़ोन, ठीक है, फिर 2G फ़ोन, 3G फ़ोन, 4G, अब 5G फ़ोन आने लगा। तो अब लोग जाते हैं और कहते हैं भाई 5G फ़ोन ले लीजिए, क्योंकि भविष्य में 5G आ जाएगा तो 4G वाला फ़ोन तो सब बेकार, ठीक है। तो लोग क्या फिर 5G फ़ोन लेने लगे। अब तो 5G फ़ोन मतलब एक आइडिया है नया, अब वो काम करेगा, ठीक है, डिस्कवरी का आइडिया हो गया। अगला क्या है, अगला है इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, हमने बताया जो आइडिया आपसे शेयर किया जाएगा ना, जो भी आइडिया आपसे शेयर किया जाएगा उसके बारे में डिटेल्ड में, ठीक है। अब डिटेल्ड में क्या जानना, पहला आइडिया शुड बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है, आइडिया शुड बी इंप्लीमेंटेड। आइडिया को क्या करना है, हमें कैसे वहां पे इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, पेपर वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। अब डिटेल में जानने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि हमें पेपर वर्क कितना करना है उसके लिए। तीसरी चीज, टाइप्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज रिक्वायर्ड, तो ये सब किस में आएगा, ये सब आपके डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, ठीक है। कि आइडिया को कैसे आप वास्तविकता में लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने पेपर आपको लगेंगे, ठीक है, किस प्रकार का वर्क आपको चाहिए, किस प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विस आपको चाहिए, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आपका डिटेल्ड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने क्या पढ़ा अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में, ये चार पॉइंट, ठीक है। इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि पहला है व्हाट विल बी द साइज ऑफ बिजनेस, का साइज क्या होना चाहिए जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है व्हाट विल बी द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या रेंज होने चाहिए, किस रेंज के आप प्रोडक्ट वहां पर रखेंगे, ठीक है। अगला है
लोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक। अब लोकेशन जो है वो आपके बिजनेस की क्या होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। अगला है कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको उस चार पॉइंट के अलावा भी जानने चाहिए, ठीक है। किसके लिए? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में ये चार पॉइंट और आपको जानने चाहिए। ठीक है, चार पॉइंट क्या कह रहे हैं? व्हाट विल द साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की साइज क्या होनी चाहिए। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, के रेंज क्या होने चाहिए, ठीक है, कि अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जगह क्या होनी चाहिए, और कैपिटल रिक्वायर्ड बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने पूंजी की जरूरत है, किसकी जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, ठीक है। तो ये चार पॉइंट और हैं आपके किसमें, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में। अगला हम लोग देखते हैं असेंबली ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा है असेंबली ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग को बताया था मैंने कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड, कैपिटल, लेबर, ठीक है, ये सब आपके कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो अब इनको एक जगह पे कैसे ले आना है, ठीक है, और कैसे उनको एक साथ काम पे लगाना है। देखिए, काम पे लगाने का मतलब ये होता है, रेशियो शुड बी गुड, ठीक है। रेशियो कहने का मतलब ये है कि जमीन, कैपिटल, लेबर, इन सब का अनुपात जो होगा ना वो सही होगा। देखिए, सिंपल भाषा में समझते हैं, एकदम नॉर्मल, घर में खाना बनता है, ठीक है। तो अब वो खाना जो बनता है उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल लगते हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि आपका हो गया, मान लीजिए दाल बन रही है, तो दाल है, हल्दी है, पानी है, नमक है, ठीक है, और भी कुछ लोग स्पेशल डालना चाहें, मसाला वसाला तो डाल सकते हैं, पर अब इसमें भी रेशियो की ज़रूरत है। अगर रेशियो सही नहीं होगा तो फिर दाल क्या होगी, दाल सही नहीं होगी, ठीक है। पता चला कि हमने दो क्या ले रहे, दो डिब्बा दाल ले लिया, अब आप कह रहे हैं यार जब दो डिब्बा दाल लिए हैं तो दो डिब्बा पानी डाल दो, चलिए डाल दिए। अच्छा, दो डिब्बा पानी डाले हैं तो दो डिब्बा नमक भी डाल दें, हाँ, तो जैसे ही आप ये करेंगे वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पानी, दाल, नमक, सबका रेशियो क्या रखना है, सही रखना है। उसी प्रकार से आपको ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो रेशियो है ना उसको सही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट हैं, हम लोग देखते हैं। पहला है नेसेसरी फंड विल बी अवेलेबल एट टाइम, ठीक है, जब जरूरत हो, जब समय हो, तो हमें उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर जितना पैसा खर्च करना है ना वो हमें मिल जाए, ठीक है, वो हमें क्या हो जाए, मिल जाए। पर्सन शुड बी अवेलेबल, जो लोग हों, जो काम करते हैं, वो जो हमें, जिन व्यक्तियों की जरूरत है वो भी हमें जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसी तरह है पॉइंट, तो अगर रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें इजीली पैसे अवेलेबल हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन असेंबल करने के लिए अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें क्या है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगला इसमें है लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है,
अच्छा, हमने शुरुआत में बताया था कि सभी टाइप के बिजनेस में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन। ठीक है, पर लीगल जो होता है ना, लीगल फॉर्मेलिटी, ये कॉमन नहीं होगी। क्यों? हमने कल बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, क्या बताया था? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, और कंपनीज कुछ। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने बताया था कि जनरल स्टोर जो अगल बगल गली में, कूचे में, घर के अगल बगल खुल जाती है, उसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए अलग से लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें क्या लगता है, जिसमें हमें लगता है पार्टनरशिप डीड लगती है। क्या लगती है? पार्टनरशिप डीड। ठीक, सब पार्टनर की साइन होगी, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा वो होगा, कौन कितना निवेश कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है वो होगा। ठीक है, कंपनीज है तो कंपनी को फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डिटेल्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या जरूरत पड़ेगी, डिटेल्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर होंगे उनकी डिटेल की जरूरत पड़ेगी, जो भी लोग मेजर रोल प्ले, उनका रजिस्ट्रेशन के समय जरूरत है, तब क्या जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी वहां पे फुल डिटेल के साथ। ठीक है, हमने क्या देख लिया, हमने अभी देख लिया प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और लीगल फॉर्मेलिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।